डिफरेंस समझो मैं तू एंड यू ब्लॉग कैसे आप हमारे लोग क्या सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। और आज हम आए हैं कलियर शरीफ दरगाह पर और सभी आए हैं साथ में अम्मी भाभी जो आए हुए हैं मेरे मायके के सभी आए हैं और बाजी है बाजी फैमिली है। तो आज हम जा रहे हैं कलियर दरगाह पर तो चलिए आपको आज दिखाएंगे दरगाह कलियर शरीफ की। तो सभी जा रहे हैं तो चलिए दरगाह दिखाते हैं आपको। छोटा बाबू भी जा रहा सो गया ये छोटा बाबू। चलो भाई चलो पहुँचते हैं दरगाह पर। तो और कलियर में इतना अच्छा अच्छा सामान मिलता है ना दरगाह के पास बहुत अच्छा सामान मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना दुकानें सारी दरगाह के चारों तरफ हैं इसी तरह की मार्केट है और सब देखते चल रहे हैं हम क्या क्या है बहुत अच्छा अच्छा सामान बिकता है। तो चलें अब चलते हैं दरगाह पर। चलो चलो। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ये एंट्री गेट है और अब हम चलेंगे यहाँ से अंदर। यहाँ तो आते हैं और अब हम आ चुके हैं बिल्कुल दरगाह के सामने जो साबिर पाक की दरगाह है कलियर में। तो हम वहाँ पर हैं और ये आप देख सकते हैं सामने जो गेट है मेन गेट है और हम जाएंगे अंदर दरगाह के। तो हम जूते चप्पल साइड में उतार देते हैं। और अब मैं यहाँ से ले रही हूँ तबर्रुक दरगाह पे चढ़ाने के लिए मतलब कि प्रसाद जो अंदर चढ़ता है। तो चलिए तबर्रुक ले लेते हैं फिर चलेंगे अंदर। और अब हम आ गए हैं दरगाह के अंदर और आप देख सकते हैं दरगाह का अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो वीडियो अंदर शूट नहीं कर सकते इसलिए हम आपको अंदर दरगाह के नहीं दिखा सकते और हम अब आ गए हैं बाहर तबर्रुक चढ़ा के। और हम आपको दिखाएंगे एक यहाँ का एक पेड़ है जिसके ऊपर सभी लोग अर्जियाँ टांग के जाते हैं अपनी मन की मुरादें वगैरह। तो वो पेड़ आज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ की एक ख़ास बात है कि यहाँ जो काफ़ी सारे लोग आते हैं ना वो थोड़े ऊपरी हवा जो होती है भूत प्रेत वगैरह वाले लोग भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं वो इस साइड बैठते हैं उनकी अलग जगह बनाई हुई है तो वो भी यहाँ काफ़ी सारे हैं। और वो पेड़ हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर अर्जियाँ टंगती हैं। एक गूलर का पेड़ है उसकी बहुत मतलब मान्यता है साबिर पाक बाबा की दरगाह की तो वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे। चलिए ब्लॉग पूरा देखिएगा हम आपको आज पूरी दरगाह दिखाएंगे। और अब हम सारे बाहर आके एक साइड बैठ गए हैं तो बाहर और अभी हम थोड़ी देर बाद उधर चलेंगे जहाँ वो पेड़ है अर्जी वाला तो उधर चलेंगे उधर कव्वाली हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। तो एक ये वाला पेड़ है गुलर का लेकिन इस पे तो अर्जियाँ नहीं टंगी हुई वो दूसरा वाला पेड़ है वहाँ चलते हैं। इस पे जो गुलर लगे हुए हैं ना ये गुलर दरगाह पे मिलते हैं तबर्रुक के तौर पे तो अभी तो मुझे दिखाई नहीं दिए थे और अब यहाँ पे सब फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं अपने। और चलेंगे आगे फिर और फिर चलेंगे साबिर पाक बाबा की जो मामा जी की मज़ार है वो पास में ही है तो वहाँ पर भी चलेंगे वहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे आप वो भी ज़रूर देखेगा तो आप पूरा ब्लॉग देखना। या देखिए ना
तो ये वाला वो पेड़ है बरगद का, आप देख सकते हैं जो धागे बंधे हुए हैं, पर्चे बंधे हुए हैं, तो ये इस पे सभी लोग बांध के जाते हैं। तो ये वो पेड़ है और यहाँ पे सभी दुआएं कर रहे हैं बाबा की दरगाह पर। और अब चलेंगे हम बाहर। और अब हम जा रहे हैं दरगाह से बाहर, तो चलिए बाहर चलते हैं और आप हमें पूरी दरगाह दिखाएं। अब हम जाते हैं बैक। बाहर आ गए तो यहाँ दुकानें हैं, तो अम्मी और भाभी आए हुए, तो ये सब कुछ कुछ सामान खरीदेंगे यहाँ से दरगाह पे से। टोपी नहीं ली? टोपी हाँ, बाबू के लिए टोपी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ की मार्केट, क्या क्या सामान मिलता है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर दरगाह बनाई हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। और लकड़ियों का सामान तो एक से एक अच्छा मिलता है यहाँ पर, बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है लकड़ियों का, यूनिक बिल्कुल। और अब चलते हैं अंदर मार्केट में। तो बच्चे टॉयज वगैरह लेने की कह रहे हैं तो वो खरीदेंगे। और यहाँ चूड़ियाँ, बैंगल, मतलब ज्वेलरीज वगैरह ना बहुत अच्छी मिलती है, तो देखते हैं भाभी वगैरह क्या लेंगे, तो वो सब यहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे। और अम्मी यहाँ से तबरुक खरीदेंगी घर के लिए। तो चलिए ये सब ले लेते हैं और घुमाते हैं आपको मार्केट, फिर उसके बाद चलेंगे मामा जी की मज़ार पर। और ये वाला जो तवरुक आप देख रहे हैं ना, इसमें मुझे बहुत ये मोटे मोटे वाले हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं ये खाने में ये वाले। तो यहाँ अम्मी तवरुक ले रही हैं घर के लिए। चलो चलो चलो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानें कितनी सजी हुई है ना, मतलब यहाँ लेडीज़ का सामान तो बहुत ही अच्छा मिलता है। ज्वेलरी जो होती है ना, सेट्स और बैंगल्स वगैरह, बहुत ही प्यारे प्यारे सेट हैं यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और अब देखते हैं मामा जी की दरगाह पर चलेंगे। और अंधेरा सा भी सब होने लगा है, टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं शाम के। और अब हम आ गए हैं मामा जी की मज़ार पर, और आप देख सकते हैं ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, इसे बुलंद दरवाज़ा बोलते हैं, और ये बहुत ऊंचा है, तो आपको दिखाते हैं पूरा। काफ़ी ऊंचा है ये दरवाज़ा, और यहाँ से काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है दरगाह के लिए मामा जी की। तो चलिए चलते हैं।
ऊंट की सवारी भी होती है। ये जो ऊंट खड़े हैं इन पे सवारी करते हैं लोग। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ये रेसिंग वाली गाड़ियां हैं, इन्हें चला रहे हैं और चलते हैं आगे। तो बच्चे जिद कर रहे हैं हम चलाएंगे। तो देखते हैं कौन चलाएगा, क्योंकि सभी बच्चे छोटे हैं तो पता नहीं चला पाएंगे या नहीं। साहिल ही एक बड़ा है तो इनमें साहिल चला सकता है, बाकी तो सब छोटे हैं। लाला जा रहा है भाई, छोटा बाबू। तो ये वाले भैया गाड़ी के एक राउंड के 10 रुपए बता रहे हैं। तो ये बच्चे छोटे हैं, इनके चोट लग सकती है। तो साहिल कह रहा है मैं चलाऊंगा, तो अब साहिल राउंड लगा के आएगा और फिर चलते हैं मजार पर। यहाँ हम आ चुके हैं मामा जी की दरगाह पर, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये अर्जियाँ लगती हैं। ये सारे जो धागे बंधे हुए हैं, ये पर्चे आपको दिख रहे होंगे, ये भी अर्जियाँ हैं। जिसको जो होता है दिल में वो सब यहाँ पे बांध जाते हैं अपने अपने धागे। और आप देख सकते हैं इन पेड़ों पे भी बांध रखे हैं। तो ये है दरगाह मामा जी की, ये कलियासरी में है। ये साबिर पाक के जो मामा हैं उनकी दरगाह है।
तो इनको भी हमने सलाम कर लिया है और सारी फैमिली अभी यहाँ इकट्ठे हो गए हैं हम। और आप देख सकते हैं बहुत ऊंचाई पर है, नीचे खेत है और धुंध छा गई है, साफ साफ नहीं दिख रहा। शाम का समय है तो अब कोहरा छाने लगा है, तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। चलो तो चलिए अब जा रहे हैं, तो चलते चलते एक बार फिर से आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाते हैं, कैसा मज़ार है यहाँ पर, कैसा लगता है देख के। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लगता है ये मज़ार, और ऊंचाई पर है तो बहुत ही, मतलब यहाँ पे आप गर्मियों में भी आओगे ना, यहाँ ठंडी ठंडी हवा लगती है, पूरा पेड़ों की छाए हैं पूरे मज़ार पर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती, उधर साबिर पाक बाबा की दरगाह पर बहुत भीड़ होती है, यहाँ पे कम ही लोग दिखते हैं। जब भी मैं आती हूँ ना तो यहाँ पे मुझे कम ही लोग मिलते हैं, तो बहुत ही यहाँ पर मतलब शांति है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और अब चल रहे हैं हम घर की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं घर, मामा जी की दरगाह पर भी हम हो आए, सलाम कर लिया, और आपको अजान की आवाज़ आ रही होगी, मगरिब की अजान हो रही है। तो चलिए ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।